लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मध्य प्रदेश में चार चरणों में मतदान होना है, जिसमें दो चरणों का मतदान हो चुका है और अब तीसरे चरण यानी कि 7 मई के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अब पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में केंद्रीय चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ लोकसभा चुनाव के तृतीय चरण की समीक्षा बैठक भोपाल में हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान सीईओ अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के मतदान में की गई तैयारियों की जानकारी पर्यवेक्षकों से साझा की। चुनाव आयोग के द्वारा भी कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसे पूरा किया जा रहा है।